हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के क्वेश्चन से ये थोर एमसीयू वर्सेस सुपरमैन डीसीयू, गोकू एमयूआई एनीमे वर्सेस स्कारलेट विच एमसीयू, थोर गॉड ब्लास्ट वर्सेस फ्लैश इनफिनाइट मास पंच, हु इज मोर पावरफुल अटैक एंड इनक्रेडिबल हल्क एमसीयू वर्सेस डोमसडे डीसीयू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो गाइस, पहले अगर हम गोकू वर्सेस स्कारलेट विच की बैटल को डिस्कस करें, तो यार इन दोनों का ही सीन एकदम अलग है। जहां गोकू की मेन पावर है उसकी फिजिकल पावर्स और उसके एनर्जी ब्लास्ट, और वही स्कारलेट विच की मेन पावर है उसका क्योस मैजिक और उसकी मैजिकल पावर्स, और ये दोनों उनके सिनेमेटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। तो अगर कभी इन दोनों में फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यार यहाँ पर इनकी फाइट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये कि अगर स्कारलेट विच अपनी रियलिटी रेपिंग पावर से गोकू के साथ कुछ ऐसा कर दे जैसा कि उसने इल्लुमिनाटिस और ब्लैक बोल्ट के साथ किया था, ऐसे ही कुछ वो गोकू के साथ भी करके उसे बीट कर दे। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी इससे बहुत अलग है कि स्कारलेट विच अपने रियलिटी रेपिंग पावर का गोकू के ऊपर यूज करे, उससे पहले ही गोकू पहले अटैक करके स्कारलेट विच को मार ही डाले। क्योंकि हम सबको पता है कि गोकू की जो स्पीड और रिफ्लेक्सेस है वो काफी ज्यादा है। वो अपने ट्रांसमिशन टेक्निक से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो हो सकता है कि वांडा उस पे अटैक करे, उससे पहले ही गोकू उसके पास जाकर अपने पंचेस से उसे नॉकआउट कर दे या फिर उसे मार भी डाले, क्योंकि उसके पंचेस इतने जोरदार होते हैं कि प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी भी अभी इतनी नहीं है। तो यार मेरे ओपिनियन से जो पहले अटैक करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हल्क वर्सेस डोमसडे। तो यार ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये दोनों स्ट्रेंथ के दानव्स है। जहां अपना हल्क जो कि अपनी स्ट्रेंथ की वजह से ही जाना जाता है, और ये जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ती रहती है। और वही डोमसडे जो कि एक क्रिप्टोनियन है, और हम सभी को पता है कि क्रिप्टोनियन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और पावर्स काफी ज्यादा होती है। लाइक आप सुपरमैन को ही ले लो, सुपरमैन जितना पावरफुल है ना उतना ही डोमसडे भी है, बल्कि और भी ज्यादा। तो अब अगर इन दोनों में कभी फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यार नो डाउट जो अपना हल्क है वो बहुत ही पावरफुल है, मगर एमसीयू वाले लिटरली उसे हर एक मूवी में कमजोर कर देते हैं, मगर फिर भी वो बहुत पावरफुल है। लेकिन वो सुपरमैन और वंडर वुमन से ज्यादा पावरफुल नहीं है, और अगर हल्क सुपरमैन से लड़ेगा ना तो वो पक्का हार जाएगा। लेकिन वही डोमसडे जिसने की वंडर वुमन और सुपरमैन को साथ में टक्कर दी है, और वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल था कि सुपरमैन और वंडर वुमन उसे साथ में भी नहीं हरा पा रहे थे, बल्कि डोमसडे उन दोनों पे ही भारी पड़ रहा था। और जो पावर सुपरमैन के पास है सेम वही पावर डोमसडे के पास भी है, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीट विजन। और भाई सच में वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिटरली सुपरमैन को उसे मारने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। मतलब सोच रहे हो कि बंदे में कितना दम था। तो यार इसी रीजन की वजह से नो डाउट डोमसडे हल्क को इजिली हरा देगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है थोर का गॉड ब्लास्ट वर्सेस फ्लैश का इनफिनाइट मास्क पंच, वो इज मोर पावरफुल अटैक। तो यार नो डाउट ये इन दोनों के अब तक के मोस्ट पावरफुल अटैक्स में से एक अटैक्स है, जहां फ्लैश का इनफिनाइट मास्क पंच वो 1 मिलियन पर सेकंड पंचेस मार सकता है, और अगर उसका ये पंच किसी नॉर्मल सुपर हीरो को पड़ जाए तो वो वहीं पे नॉकआउट हो सकता है या फिर वो मर भी सकता है। मगर भाई मुझे तो थोर का गॉड ब्लास्ट ज्यादा डेंजरस और यूजेबल लगता है, क्योंकि उसने अपने एक ही गॉड ब्लास्ट के अटैक से उसके अब तक के सारे विलन्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जिसमे की थे सर्टर, गोर, डॉक्टर डूम, हेला और लोकी, और ऐसे बहुत से विलन। और यही नहीं, उसने मल्टीवर्सल बींग ब्लैक विंटर को भी एक झटके में खत्म कर दिया था। इसके अलावा वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने अपने गॉड ब्लास्ट से गैलेक्टस का आर्मर ही ब्रेक कर डाला और गैलेक्टस जमीन पे आ गिरा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्लैश का इनफिनाइट मास्क पंच है वो कुछ कम हो, वो भी डीसी के अब तक के मोस्ट पावरफुल पंचेस में से एक पंच है। बट भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन से मुझे थोर का गॉड ब्लास्ट ज्यादा डेंजरस लगता है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है थोर एमसीयू वर्सेस सुपरमैन डीसीयू। तो यार बेसिकली ये दोनों सिमिलरी पावर्स रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सिमिलरी है और ड्यूरेबिलिटी भी लगभग सिमिलरी है, मगर स्पीड के मामले में सुपरमैन थोर से बहुत आगे है। मगर यहाँ पे थोर के पास भी एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास उसका बायफोर्स है, और थोर की एज 1500 साल की है और उसने इतने सालों में काफी विलन से फाइट की है। वो मौत की देवी हेला से लड़ चुका है और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी, और उसने हल्क से भी फाइट की है, और वही सुपरमैन जो कि लिटरली स्टेपन वुल्फ को ऐसे ही मक्खी की तरह उड़ा रहा था, और यही नहीं उसने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अकेले ही हरा रखा है, और ये दोनों ही बहुत पावरफुल है। मगर पता नहीं क्यों जब सुपरमैन लड़ता है तो मुझे उसकी पावर काफी ज्यादा दिखती है। आपने भी देखा होगा कि वो लाइव एक्शन में काफी ज्यादा पावरफुल दिखता है, भले उसके फील्ड से थोड़े से कम क्यों ना हो। और वही थोर जो कि बहुत पावरफुल है, मगर लाइव एक्शन में वो हमें इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता है, मगर हमें पता है कि वो बहुत पावरफुल है। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो देखो बेसिकली मैंने इनकी पावर्स और इनकी एबिलिटीज आपको बताई दी है, तो इसलिए अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताना किस राउंड के बैटल का विनर कौन होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको जानना है कि लूसीफर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस लिविंग ट्रिब्यूनल वर्सेस ओमनीगॉड गोजीतामा इनमें से कौन जीतेगा, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपके सामने शो हो जाएगी वो। सो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।